कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए मंदिर कितना खूबसूरत है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि कल बताया था मैंने आप लोगों को कि आज हम लोग अब सुरकंडा देवी के लिए निकलेंगे। तो इस समय सुरकंडा देवी की तैयारी हो चुकी है और ये हम जहां रुके हैं देहरादून में और अब निकल रहे हैं। और जैसा जैसा सफ़र रहता है सब आपको दिखाते हुए चलते हैं। मसूरी होते हुए है प्लान, देखते हैं रास्ता किस तरह का रहता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और अगर कोई चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये FRI की बिल्डिंग है और हम लोग जहाँ पर रुके हैं ये बिल्कुल उसके सामने ही है। तो वापसी में या फिर कल आपको इसको ज़रूर दिखाएंगे, यहाँ पर को भी जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो एक पिक्चर आई थी उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी और काफ़ी सारी पिक्चरों की शूटिंग होती है यहाँ पर को। तो इस समय हम देहरादून के फेमस घंटाघर पे हैं और अब यहाँ से मसूरी के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी मतलब टाइम बाद इधर को आना हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया है पर उसी हिसाब से पॉपुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शहर की। भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा हो गया है अब यहाँ पर। ठंडा भी उतना नहीं लग रहा है मेरे को जो पहले हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता था जाड़ों के टाइम पे, तो यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। ये राजपुर रोड है यहाँ पर को देहरादून की, इतने शोरूम्स वगैरह हैं सब बड़े बड़े इसी रोड पर हैं यहाँ पर। ये इधर गांधी पार्क है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देहरादून से जो सुरकंडा देवी की डिस्टेंस है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। और अब हम लोगों को यहाँ पर को मसूरी दिखाई देने लग गया है, पर हम लोग मसूरी होते हुए नहीं जाएंगे, उससे पहले ही एक कट रहता है जो धनौल्टी के लिए है। वहाँ से हम लोग ये खूबसूरत जो धनौल्टी का रास्ता है वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और आप लोग देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर कभी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय हम लोग मसूरी के आउटर इलाके पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो धनौल्टी की डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और धनौल्टी से थोड़ा ही रहता है फिर सुरकंडा देवी का जो रास्ता है। और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत हो रहे हैं यहाँ पर से। इस समय हम लोग अब धनौल्टी के पास पहुंच गए हैं और ये हिमालय दिखने लग गए हैं। बर्फ़ इस बार काफ़ी कम पड़ी हुई है, इस समय यही नहीं है, जनवरी लास्ट की आज 30 तारीख है और बर्फ़ से ये इलाका पूरा पटा रहता था। बांज के जंगल दिख रहे होंगे आपको देवदार के यहाँ पर को, देखिए ये। और बिल्कुल बर्फ़ तो दूर दूर तक नहीं है, इवन हिमालय भी देखिए पूरे खाली हो रहे हैं। थोड़ा इनको अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस समय हम लोग अब सुरकंडा देवी के गेट पर पहुंच गए हैं और यहाँ से अगर पैदल जाएं तो 3 किलोमीटर के आसपास रहता है और 100 मीटर ऊपर मेन जो गेट है वहाँ पर से आपको रोपे वगैरह मिलती है। तो पहले रोपे वगैरह का पता लगवाते हैं और कोशिश करते हैं अगर रोपे में टिकट वगैरह मिलता है तो उसमें जाएंगे, नहीं तो फिर पैदल वाला रास्ता लेंगे। जय माता दी। कुछ इस तरह की यहाँ पे मार्केट वगैरह है, प्रसाद वगैरह बनाने के ऊपर को नहीं मिलता है तो
तो अगर आप लोग प्रसाद वगैरह लेना चाहें तो यहीं से ले सकते हैं। टॉप में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहीं पर को माता सुरकंडा का मंदिर है और यहीं पर को रोपे भी चलती है इसके लिए। तो हम लोग जहाँ से टिकट रहता है वहाँ पहुँच गए हैं और टिकट की प्राइस ये रही इस समय। एक में कितने लोग रहते हैं भैया? छः लोगों का है एक का। इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो रोपे है ये सीधे मंदिर तक लेके जाती हैं यहाँ से। हम लोग इस समय अब ट्रॉली पे बैठ गए हैं और कैसा फील हो रहा है भैया आपको? है बहुत बढ़िया, आनंद। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जैसे भी साथ वाले हैं कैसा है? हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। ये भाई जी देहरादून से आया हमारे साथ स्पेशली हमको सुरकंडा ले जाने के लिए। इन्हीं की क्या कहते हैं डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आ रखे हैं। जय माता दी। और हमारा सफर शुरू हो गया है यहाँ पर को। सही है। यहाँ की रोपवे का बहुत ही गजब एक्सपीरियंस है। दूर दूर तक बस पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है इस पर। और अगर कभी आप लोग आएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि 3 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे पैदल ट्रैकिंग। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए मंदिर कितना खूबसूरत है ये। तो इस समय हम लोग पहुंच गए हैं सुरकंडा देवी मंदिर और यहाँ से जो नज़ारे और आप मतलब फीलिंग आ रही है बहुत बढ़िया है और बहुत ही डिवाइन लोकेशन पे स्थित है ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक सिद्धपीठ है यहाँ पर को माता सती का, जो आपका सर वाला हिस्सा था वो गिरा था उसकी वजह से ही जगह का नाम सुरकंदा देवी है। बाकी यहाँ पर को देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है वो मैं कर देता हूँ। और इस जगह से आप नज़ारे देख सकते हैं, देखिए सामने बिल्कुल हिमालय दिख रहा है। मैं जूम करा के दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए अगर मौसम साफ रहे तो इस जगह से पूरे जितने चारों धामों के पहाड़ हैं वो सब देखने को मिलते हैं, पर इस समय थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं तो जिसकी वजह से सारे के सारे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने थे मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की। और इस समय माता रानी का भोग की तैयारी हो रही है, ये करीबन 12 बजे के आसपास की टाइमिंग है, तो जैसे मंदिर खुलता है फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर का जो मेन गर्भगृह है, इसी के साथ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कुछ और मंदिर भी हैं।
तो चलिए, जब तक गर्भगृह खुलता है तब तक आपको यहाँ पर को जो शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं, और साथ ही यहाँ से जो हिमालय के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं उनका भी आनंद लेते हैं। तो माता रानी को भोग लग गया है और गर्भगृह अब खुल गया है, तो लाइन पे लगते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो अगर आप लोगों का कभी मसूरी धनोल्टी की तरफ को आना हो रहा है तो एक बार यहाँ पर कुछ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही शांति और बहुत ही एक अलग से अनुभूति का एहसास होगा यहाँ पर को। और अगर आप लोग ऋषिकेश की तरफ को भी आए हैं तो वहाँ से भी यहाँ पर को आप लोग अपना टूर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ये जो मंदिर है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ही है और रोड्स वगैरह की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर को आके माता रानी से आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। और अब परिक्रमा वगैरह पूरी करके फिर वापस आपको जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है रोपवे का वो दोबारा से दिखाते हैं ऊपर से किस तरह रहता है। तो ट्रॉलियाँ आ गई है हमारी, अब बैठते हैं इसमें और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और अभी अभी यहाँ से हमारा एक नया प्लान बना है, रोड बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया रोड है, है? अबे पूरी वाली नई नहीं बनी है वो, चलो फिर ना यहाँ से होगी ग्रेविटी नीचे को महसूस पेट की हाथों तक। तो जैसा आप लोग बातों में सुन रहे होंगे तो अभी अभी हमको पता चला है कि जो टिहरी झील है वो यहाँ से 35 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो अब यहाँ पर आए हैं तो रोज़ रोज़ तो होता नहीं है आना, तो हम लोग अब उधर के लिए भी निकल रहे हैं, फिर अगले व्लॉग में आप लोगों को टिहरी झील भी दिखाएंगे। अभी तो जो यहाँ का एक्सपीरियंस है नीचे आने का वो शेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जैसे झूले से नीचे आते हैं उसी तरह की फीलिंग हो रही है इस समय। इस व्लॉग को यहीं पर को एंड करते हैं और अगले व्लॉग में फिर आप लोगों को टिहरी झील दिखाऊंगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।